नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 अप्रैल को अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया, जिसका नाम उन्होंने न्याय पत्र रखा। इसमें न्याय के विचार को सामने रखा गया है, जिसमें पंच न्याय या न्याय के 5 स्तंभों यानी नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय के बारे में बात की गई है। हालांकि भाजपा कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए दिखी। राइट विंग इकोसिस्टम ने इस दावे को आगे बढ़ाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। बाद में भाजपा ने भी इस दावे को आगे बढ़ाया और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस रैली में कही थी। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा, सीएए का भी विरोध कर रही है। ऐसा ही उन्होंने 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में अपनी इस रैली में संबोधन देते हुए कहा था। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कह उन्होंने अपने भाषण में ऐसा दावा किया था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों के बीच संपत्ति बांटने की बात कही गई है, क्योंकि कांग्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कथित रूप से ऐसा कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कुछ ऐसे ही दावे किए। 23 अप्रैल 2024 को भाजपा कर्नाटक ने ये ट्वीट किया और बताया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को जमीन, संपत्ति और अधिकार उपहार देने के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया है। कई राइट विंग यूजर्स ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में 13 खतरनाक पॉइंट्स का लिस्ट बनाया और कहा कि इस घोषणा पत्र का मकसद मुसलमानों को खुश करना है। हालांकि सार्वजनिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राइट विंग यूजर्स और सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेताओं द्वारा धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे ऐसे दावों का पर्दाफाश करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने पहल शुरू की। हमने जब कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा तो इसमें देश में मुसलमानों के बीच संपत्ति बांटने का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें देश में आय और धन असमानता को लेकर मुद्दा रखा गया है। इसमें बताया गया है कि ये असमानता कथित रूप से 2014 से 2023 के बीच में देखने को मिली है। अर्थव्यवस्था सेक्शन में बताया गया है कि कांग्रेस सरकार आय और संपत्ति की बढ़ती असमानताओं के मुद्दों का समाधान करेगी। लेकिन ध्यान दें कि घोषणा पत्र में देश में फिर से संपत्ति बांटने की बात नहीं कही गई है, तो फिर किसी विशेष समुदाय के बीच संपत्ति बांटने की बात तो दूर की है। मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद राहुल गांधी ने हैदराबाद की रैली में यह बयान दिया था। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे।
गौर करें कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के बीच संपत्ति बांटने के कांग्रेस के कथित वादे वाला ये बयान कांग्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हवाले से दिया था। छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये कथित बयान वाला वीडियो मिला, जिसे 9 दिसंबर 2006 को पोस्ट किया गया था। आई बिलीव आवर कलेक्टिव प्रायोरिटीज आर क्लियर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled caste and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim. तत्कालीन विपक्ष भाजपा ने अल्पसंख्यक शब्द को लेकर कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पीएम कार्यालय भाषण के ट्रांसक्रिप्शन के साथ ये स्पष्टीकरण जारी किया, जिससे इससे ये देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का संसाधनों पर पहला दावा का संदर्भ ऊपर बताए गए सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संदर्भित करता है, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के कार्यक्रम शामिल है। यहाँ इतना तो साफ हो जाता है कि पीएम मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हवाले से गलत बयान कोट किया, क्योंकि न तो घोषणा पत्र में इसके बारे में बात कही गई है, न ही मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ कहा था जैसा कि पीएम मोदी ने दावा किया है। ऐसे ही ये आरोप भी निराधार साबित हुआ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून खत्म करने की बात कही गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में कहीं भी CAA का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि साल 2019 के घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक को वापस लेने की बात कही गई है। वायरल दावों का आधार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम तुष्टिकरण का प्रयास किया गया है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज को डॉक्यूमेंट में विशेष रूप से मुसलमानों का एक भी संदर्भ नहीं मिला। आगे ऑल्ट न्यूज ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए अलग से नौकरियों का वादा करने वाले दावे के बारे में खोज शुरू की। हालांकि घोषणा पत्र में सिर्फ मुसलमानों को नौकरियां आवंटित करने का कोई जिक्र नहीं है। समानता सेक्शन के तहत तीसरा पॉइंट, बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण लागू करने का वादा किया गया है, यानी ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। वायरल दावों में एक ये दावा भी किया गया है कि घोषणा पत्र में 3 तलाक को वापस लेने की बात कही गई है। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने इस बारे में छानबीन की तो हमें डॉक्यूमेंट में इस बारे में कोई संदर्भ नहीं मिला। ये दावा भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए किया गया था कि ये मैनिफेस्टो लव जिहाद, गौ मांस के सेवन या स्कूलों में बुरके के इस्तेमाल का समर्थन करता है, जबकि घोषणा पत्र में कहीं भी लव जिहाद, बीफ या बुरका जैसे किसी भी शब्द का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर एक सवाल ये भी उठाया गया है कि ये घोषणा पत्र हिंदू धर्म को खत्म करने की बात करता है। हालांकि इसमें कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद देश को सर्वांगीण विकास, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मार्ग पर ले जाने का वादा किया है। घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू धर्म को खत्म करने की बात नहीं कही गई है, इसके उलट ये नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार पर जोर देता है। वहीं इस घोषणा पत्र में देशद्रोह या राजद्रोह शब्द का एक भी बार जिक्र नहीं है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो वो कानूनों के हथियारीकरण, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुन गिरफ्तारियों के साथ साथ थर्ड डिग्री के तरीके, लंबे समय तक हिरासत में रखने और हिरासत में होने वाली मौतों को खत्म कर देगी। इसमें ये जिक्र भी किया गया है कि कांग्रेस मॉब लिंचिंग, पुलिस मुठभेड़, हत्याओं और बुलडोजर न्याय जैसे गैर न्यायिक अवैध उपायों का दृढ़ता से विरोध करती है और उन्हें तुरंत रोकने और अपराधियों को कानून के अनुसार दंडित करने की कसम खाती है। मैनिफेस्टो में बताया गया है कि कांग्रेस हेट स्पीच, हेट क्राइम और सांप्रदायिक संघर्षों से सख्ती से निपटेगी। मुस्लिम समुदाय के जजों की संख्या में बढ़ोतरी या फिर उनके ब्याज की रकम को कम करने की भी कोई बात घोषणा पत्र में नहीं बताई गई है।
और न ही इसमें समलैंगिक विवाह को वैध बनाने और लैंगिक तरलता और ट्रांस आंदोलन का समर्थन करने का वादा किया गया है। हालांकि इस घोषणा पत्र को लेकर सबसे गंभीर दावा ये किया गया था कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में हमास के समर्थन का आह्वान करती है। हालांकि हमें मैनिफेस्टो में ऐसे किसी वादे के बारे में कोई जिक्र नहीं मिला। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इस तरीके का गलत दावा चलाते हुए देश की माइनॉरिटी पर भी निशाना साधा। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर निशाना साधने के लिए फर्जी सांप्रदायिक दावों का इस्तेमाल किया गया और वो भी और किसी आम नागरिक के द्वारा नहीं बल्कि हमारे पीएम मोदी द्वारा। जनता को बहकाने के लिए और अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जनसभाओं से किए जाने वाले ऐसे बयान देश के लोकतंत्र पर एक खतरे की घंटी है। ये एक ऐसी झूठी कहानी की तरह है जिसे प्रमुख चेहरों द्वारा आत्मविश्वास के साथ बताए जाने पर आम जनता बिना किसी सवाल के इसे स्वीकार कर लेती है। हालांकि इतिहास से हमें ये बात स्पष्ट रूप से जानने को मिली है कि ये भेड़ चाल आगे चलकर आम जनता के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। चुनाव के इर्द गिर्द शेयर की गई ऐसे ही गलत दावों और प्रोपेगेंडा की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज के साथ बने रहिए।